दिल्ली में कांग्रेस कहीं नहीं, केजरीवाल की पार्टी की जीत पक्की। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मंगलवार को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने आज तक से बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटों पर खुद आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने और एक सीट से कांग्रेस को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 0 सीट पर है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस 250 में से 9 सीटें जीत सकी। संदीप पाठक ने कहा कि अगर आप मेरिट के आधार पर आंकड़े देखें तो कांग्रेस पार्टी का एक भी लोकसभा सीट पर दावा नहीं बनता। उन्होंने कहा कि सिर्फ डेटा महत्वपूर्ण नहीं है, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस का मान रखते हुए हम उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए एक सीट ऑफर करते हैं। हमारा ये प्रस्ताव है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़े और 6 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। संदीप पाठक ने कहा कि हम आज दिल्ली के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत का जल्द निष्कर्ष निकले और हम सब चुनाव के काम में लगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी और ग्राउंड पर अपना काम शुरू कर देगी। संदीप पाठक से बातचीत के प्रमुख अंश। जब संदीप पाठक से ये पूछा गया कि इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के सामने जो आम आदमी पार्टी ने प्रस्ताव रखा था, क्या वह प्रस्ताव भी 6 आप और एक कांग्रेस का ही था, तब उन्होंने जवाब दिया, प्रस्ताव बिल्कुल सेम है, कांग्रेस की तरफ से अलग अलग मांग आई थी, लेकिन उन पर अगर बातचीत होती तभी कोई निर्णय हो पाता। हमारी तरफ से कांग्रेस को यही ऑफर दिया गया था, बातचीत से ही निकल सकता है, लेकिन जो मीटिंग कई महीने पहले हो जानी चाहिए थी, हम उस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। आगे जब संदीप पाठक से पूछा गया कि दिल्ली में उम्मीदवार घोषित करने के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने कोई डेडलाइन तय की है, तब उन्होंने जवाब दिया कि हम 4-5 दिन तक इंतजार करेंगे और उसके बाद स्थिति का आकलन करेंगे। हमारा मकसद देरी करना नहीं बल्कि सार्थक तरीके से अंजाम तक पहुंचना है। आगे जब संदीप पाठक से ये पूछा गया कि 6 सीट पर दावे के पीछे क्या आधार है, तब उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और एमसीडी का चुनाव के आधार पर ये फॉर्मूला तय किया गया है। जिस तकनीकी आधार पर कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में आम आदमी पार्टी को सीट देने की बात कर रही है, वही रूल सभी के लिए लागू होगा। उस परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में कांग्रेस कहीं नहीं है, ये हम नहीं डेटा कह रहा है। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, हमें ये सब कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव लड़ना और जीतना है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।